मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। फिलहाल यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि बीजमाई का 2.2 अपडेट आ रहा है और इन गेम में आप लोग को कैसे करना है अपडेट को वो आप लोग को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और यही नहीं गाइज, आप लोग का जो यहाँ पे बीजमाई है वो भी अनबैन होने वाला है, बट यहाँ पे न्यू नेम के साथ बीजमाई इंडिया में आने वाला है और आप लोग को फिर से यहाँ पे डाटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो भाई आज के वीडियो में हम बहुत सारा चीज आप लोग को दिखाने वाले हैं, वो भी भाई कोई ऐसा वेबसाइट से नहीं, भाई ऑफिशियल गेम में जाके आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ ये सारी चीजें। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और भाई प्लीज यार रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई 2.2 अपडेट कहाँ पे आएगा। और भाई यही नहीं, आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि बीजमाई जो है वो डाटा ट्रांसफर कहाँ करना है, मतलब बीजमाई का डाटा ट्रांसफर आप लोग को कहाँ करना है, तो सारी चीजें इस वीडियो में आप लोग को बताई जाएंगी। तो आज का वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बीजमाई जो है वो कहाँ पे डाटा ट्रांसफर करने वाला है एंड बीजमाई इंडिया में कैसे और कहाँ पे और किस नाम से लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ ऑफिशियल चीज़ें निकल के आई हुई हैं गेम से रिगार्डिंग एंड वो सारा चीज़ भी यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाऊंगा और भाई आप लोग भी कन्फर्म हो जाओगे। तो चलो यार चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को बताना चाहता हूँ 2.2 अपडेट के बारे में। हाँ गाइस, यहाँ पे कन्फर्म हुआ है बीजमाई का जो 2.2 अपडेट है वो आने वाला है इन गेम में। अब भाई मैं ऐसा ही क्यों बोल रहा हूं तो उसको भी यहां पे आप लोगों को दिखा देता हूं। तो सबसे पहले यहां पे आप लोग देख लो, एक बंदे में यहां पे अनाउंसमेंट करके इन गेम में एक यहां पे रिसोर्स आया है जो कि यहां पे आप लोग देख सकते हो ये, और भाई यहां पे लिखा है अनाउंसमेंट, ठीक है। और ऐसा रिसोर्स आप लोग में नहीं दिख रहा होगा भाई, किसी किसी में दिख रहा है। तो भाई यहां पे देख सकते हो ये अनाउंसमेंट करके एक यहां पे ऐड किया गया है। अब हो सकता है यहां पे बीजमाई वाले प्लान कर रहे हो इन गेम अपडेट देने का और 3 से 4 दिन बाद आप लोग को एक अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए जहां पे आप लोग अपडेट कर पाओ 2.2 का। अब भाई ये रहा सबसे पहला और दूसरे भी चलते हैं। तो दूसरा चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मतलब यार पबजी मोबाइल में भी हिंट्स मिल चुके हैं और भाई यहाँ पे बीजमाई में भी हिंट्स मिल चुके हैं। भाई आप लोग का एक न्यू गेम आ रहा है, ठीक है, और उसमें आप लोग को डाटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हिंट चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ और भाई इससे रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन है, भाई पूरा वीडियो देखना समझ में आ जाएगा आप लोग को और ये चीजें आप लोग खुद जाके गेम में देख सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ पबजी मोबाइल में एंड पबजी मोबाइल में आप लोग को जाने के बाद यहाँ पे 40 नंबर के बंदे पे जाना है भाई, 40 नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है पॉपुलरिटी रैंकिंग पे 40 नंबर पे। एंड इसमें जाने के बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे अभी के टाइम 2.2 अपडेट करने के बाद पबजी मोबाइल में 40 नंबर पे जाके पॉपुलरिटी रैंकिंग की बात करो एंड टैप करोगे तो इसमें दिखाएगा जो इस बंदे का अकाउंट है वो माइग्रेट हो चुका है पबजी मोबाइल इंडिया में। हाँ यार पबजी मोबाइल इंडिया में, मैं बीजमाई की बात नहीं कर रहा, इसका अकाउंट ट्रांसफर हुआ है पबजी मोबाइल इंडिया में, ठीक है। और भाई यही नहीं, यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ दिखाता हूँ। आप लोग को याद होगा बीजमाई भी एक आईडी आया था यूज़र करके जिसका यहाँ पे टैप करो तो दिखाता था माइग्रेट हो चुका है बीजमाई यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में, बट इसका पबजी मोबाइल इंडिया में दिखा रहा है। और भाई इसका भी ऐसा ही सीन है, अगर आप लोग दूसरे की आईडी खोलते हो तो इसका केडी देखो, यहाँ पे केडी 11.21 का है। एंड जैसे ही फिर से यहाँ पे जाओगे उस बंदे के पास यानी 40 रैंकिंग पे, और यहाँ पे देखो यार जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे जो केडी है ये सारा चीज़ कॉपी हो जाएगा। एंड भाई एक बात बताओ, पबजी मोबाइल इंडिया और बीजमाई, ठीक है, ये इसको रखो साइड में। अब भाई पबजी मोबाइल जो है वो एक अलग ग्लोबल गेम है भाई, सभी लोग खेल सकते हैं। तो भाई ये बीजमाई का और पबजी मोबाइल इंडिया का यहाँ पे क्यों सीन दिखा रहा है? और बात रहा है यहाँ पे एक और चीज़ का, तो ये दिखा पहले देख लो आप लोग, ये पबजी मोबाइल ही है, नहीं तो आप बोलोगे कि पबजी मोबाइल नहीं है, ये पबजी मोबाइल ही है और इसमें आप लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। देखो भाई क्या दिखा रहा है पबजी मोबाइल इंडिया, ठीक है। अब भाई मैं चलता हूँ बीजमाई में लेके आप लोग को, तो यहाँ पे आप लोग पहले तो इसको जाके खुद देख सकते हो, नहीं तो भाई बोलोगे नहीं दिख रहा है ऐसा वैसा, तो भाई जाके देख लेना। और भाई यहाँ पे मैं बीजमाई में आ चुका हूँ और बीजमाई में आने के बाद अगर आप लोग को यहाँ भाई ओपन हो जाने देते हैं इसको पहले हम, तो गाइस अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, आप लोग को इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही बता रहा हूँ और ऑफिशियल चीज़ें ही दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। एंड चलो यहाँ पे देखते हैं दूसरा। तो भाई यहाँ पे मैं आया और भाई देखो ये बीजमाई ही है, नहीं तो बोलो तो बीजमाई नहीं है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग को जाना कहाँ पे? भाई आप लोग को जाना है रैंकिंग में, ठीक है। तो मैं रैंकिंग में चलता हूँ, ये कहाँ आ गया भाई, और यहाँ पे भाई मैं अपना टायर दिखाता हुआ कि
क्योंकि भाई मैं प्रो हो चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा। गाइज मजाक कर रहा था। एंड यहाँ पे ईवो ग्राउंड में आना है, एंड इसमें आने के बाद भाई आप लोग को यहाँ पे जाना है 11 नंबर प्लेयर पे, एंड इसके पॉपुलरिटी में जाना है। और यहाँ पे पॉपुलरिटी इसकी कितनी ज़्यादा हो गई भाई, मेरी भी करवा देना। तो गाइज यहाँ पे देखो यूज़र करके इसके 10वें रैंक पे एक बंदा है, जिसका यहाँ पे देखो भाई क्या दिखा रहा है, इसका जो आईडी है वो ट्रांसफ़र हुआ है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में। मतलब क्या चल रहा है भाई, भाई ये देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है। अगर पबजी मोबाइल में जाके वो आईडी देखोगे तो उसमें दिखा रहा है उसका आईडी पबजी मोबाइल इंडिया में ट्रांसफ़र हुआ है, एंड इसमें आके इसकी आईडी देखोगे तो दिखा रहा है भाई ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में ट्रांसफ़र हुआ है। तो भाई ये क्या सीन है, इसको भी यहाँ पे आप लोग को मैं समझा देता हूँ। बाकी जो यहाँ पे जो आप लोग पबजी मोबाइल में आईडी देखे थे उसको यहाँ पे सर्च करके हम देखते हैं कौन सी आईडी है एंड किसकी आईडी है वो। तो देखते हैं भाई वो आईडी ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। तो जल्दी से चलते हैं यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे एंड सर्च करते हैं उस आईडी को हम जो हमने पबजी मोबाइल में देखा था आईडी, उसको यहाँ पे सर्च करते हैं जिसमें दिखा रहा था कि ये आईडी पबजी मोबाइल इंडिया में ट्रांसफ़र हुआ है। तो उस आईडी को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंड उस आईडी को आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये सारे बंदे इनको जानते होंगे, इनका भाई देखो ये आईडी है डायनेमो भाई का। मतलब भाई क्या चल रहा है यार, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो भाई मैं इसको भी बता देता हूँ। जो पबजी मोबाइल में आईडी दिख रहा है पबजी मोबाइल इंडिया में ट्रांसफ़र हुआ है, उसका क्या सीन है। तो भाई जो यहाँ पे आप लोगों को दिवाली टाइम में एक यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था पबजी मोबाइल इंडिया करके लॉन्च हो रहा है, जिसको कैंसिल आउट कर दिया गया था, तो वही यहाँ पे आप लोग का पबजी मोबाइल इंडिया जो है वो पबजी मोबाइल में दिखा रहा है। भाई कन्फ्यूजन बहुत है बट क्या किया जाए। तो वो जो आईडी है वो हैदरा डायनमो की है, और भाई इन सभी का आईडी लिया गया था पबजी मोबाइल इंडिया में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वही यहाँ पे दिखा रहा होगा। बाकी यार इन गेम या पीछे बहुत सारा चीज़ चल रहा है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे निकल के आया न्यूज़। देखो यहाँ पे क्या लिखा, क्राफ्टन कैन इजली ब्रिंग बैक BGMI बट इन अ टोटली न्यू ऐप विथ नो डाटा ट्रांसफर ऑल डाटा इन इंडिया एंड एवरीवन लॉस देयर ओल्ड आईडी एंड स्टार्ट्स विथ न्यू लेवल 1 अकाउंट्स। अब भाई ये है ई स्पोर्ट के CEO, तो भाई ये तो क्या ही बोलेंगे, मतलब झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो यही था आज के वीडियो में जो आप लोग को बताना था। अब आप लोग को मैंने ऑफिशियल चीजें ही दिखाई हैं, तो आप लोग यार काम कर लो, वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी यार आज वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।